वो कहते हैं ना कि सांप के बिल में कभी भी हाथ डालकर सांप को परेशान नहीं करना चाहिए। तुमने तो वही किया ना, मेरे ही घर में आकर तुमने मुझे ही चैलेंज दिया। आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मुझे देखना है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद पहले तुम इस घर से बाहर जाती हो या भाई की लाइफ से बाहर जाती हो। और तुमने मुझे क्या कहा था कि मुझे अपनी शादी की तैयारियां छोड़ के इस घर से बाहर जाने की तैयारी करनी चाहिए। वेल, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ, तुम्हें ये शहर छोड़ने की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे मुंह पे जो काले पोती है ना, उसके बाद तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। पहले लोग तुम्हें इस बात पे ताने सुनाएंगे कि तुम बिना पति के माँ बनने वाली हो, और फिर जब बच्चा नहीं होगा तो अबॉर्शन के बारे में ताने सुनाएंगे। लोग तुम्हें बहुत परेशान करने वाले। तो अच्छा होगा कि तुम ये शहर छोड़कर किसी और शहर शिफ्ट हो जाओ, जहाँ पे तुम्हें अभी भी ढूंढ लेना। तनु भाई क्यों ढूंढेंगे इसे? वैसे भी स्वीटहार्ट, प्रज्ञा को तो भाई भूल ही चुके हैं, और जैसी भाई की शादी तुमसे होगी ना, दो दिन में वो निकिता को भी भूल जाएंगे। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने से तुम्हारे अपने गुनाह छुप गए? मैं मानती हूँ मुझे ठोकर लगी, गिरी नहीं हूँ अब तक। सर मेरा अब तक ऊंचा है, हिम्मत मेरी अब तक मजबूत है। तुम दोनों को अब भी इनके सामने एक्सपोज कर सकते हो, और खासकर ये जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मुझे एक नई वजह मिल गई है तुम दोनों को बर्बाद करने की। हालिया ये पागल हो गई है। आई थिंक इसे रियलाइज नहीं हुआ कि हम दोनों ने इसे कितना बड़ा झटका दिया है। तनु रिलैक्स, वो कहते हैं ना कि जब चोट ज्यादा बड़ी हो तो उसका जख्म जो है ना थोड़ी देर बाद हिट करता है। इस बेचारी की भी वही हालत है, इसे इतना बड़ा झटका मिला है कि इसे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज तो तय है कि जब तक इसे रियलाइज होगा ना, तब तक तुम्हारी और भाई की शादी हो चुकी होगी। अच्छा, अगर शादी से पहले तुम नहीं गई तो शादी के बाद भी रुकी जाना। वो क्या है कि शादी के बाद तुम मेरी भी सेक्रेटरी बन जाओगी, तो तुमसे काम करवाने का जो मजा आएगा ना, वो किसी अलग लेवल का। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हरगिज नहीं बनूंगी। इनफ विद योर ड्रामा प्रज्ञा, तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम लड़कियां सपने यही देखती हो कि किसी तरीके से किसी रईस खानदान के लड़के को फंसा लिया जाए, बॉयफ्रेंड नहीं बना तो किसी तरीके से उसकी नौकरानी बन के ही उसके साथ में रहना चाहती है, ताकि उसे फंसा चुके हैं। और तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, सेक्रेटरी बन के नहीं तो कम से कम नौकरानी बनकर तुम भाई के साथ रह सकती हो। तो अब डिसाइड तुम कर लो कि तुम्हें क्या बनना है, सेक्रेटरी या फिर नौकरानी। मेरी जिंदगी भले ही आपके बगैर सुनी, मैं अपनी मांग ज्यादा दिनों तक सुनी नहीं रहने दूंगी, और इसमें आपके ही नाम का कुमकुम लगेगा। कल इन्हें चैलेंज दिया था ना, आज मैं खुद को चैलेंज देती हूँ। इस शादी से पहले खुद पर लगा हुआ इल्जाम जरूर मिटा कर रहूंगी। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। How could you? तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। How could you? How dare you? और नहीं। माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई, यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता
सत्या मामा मुझसे इतनी नफरत करती देखा तुमने? अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या? तेरी शादी माए इच्छा से